चलो कंटिन्यू करते हैं। ओजोन स्फेयर से के आगे है ना, अब आता है ओजोन स्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर। तो 20 से लेकर 50 किलोमीटर के एरिया तक होता है, पढ़ाता ना जो 20 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर के ऊपर का जो एरिया होगा उसको कवर करेगा स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो अब देखिए ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर यानी और ओजोन स्फेयर के बाद, यानी ट्रोपोस्फेयर और ओजोन स्फेयर दोनों के बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, जो कि एक्सटेंड करता है अप टू 50 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी 50 किलोमीटर के बाद का एरिया ये कवर करता है। द स्ट्रेटोस्फेयर इज फ्री फ्रॉम वाटर वेपर, है ये फ्री फ्रॉम वाटर वेपर होता है, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल भी वाटर वेपर नहीं होता है, डस्ट पार्टिकल यहाँ पे बिल्कुल भी डस्ट पार्टिकल नहीं होते। देर आर नो क्लाउड्स, यहाँ पे क्लाउड्स भी नहीं होते। वो सर तो बहुत ऊपर चले गए, यानी कि हाँ बहुत ऊपर के एरिया हो गए, यहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते। दस दिस लेयर प्रोवाइड्स आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग बाई जेट एयरक्राफ्ट। ओके, यानी ये वो वाला एरिया है जहाँ पर एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं। टेम्परेचर रिमेंस ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट इन द लोअर लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे वाले नीचे 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 एरिया में तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम रहता है मतलब, बट एट हायर लेवल टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट। लेकिन थोड़ा ऊपर, अब थोड़ी ऊपर हाइट पर क्या हो गया कि जैसे जैसे ऊपर जा हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हाइट बढ़ती जाएगी। ठीक है, द टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ द सन बाय ओजोन प्रेजेंट इन द स्लैब। वो कहते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वो किस वजह से होता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अब वो किस वजह से होता है, जो ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती जाती है करती जाती करती जाती है, तो जितना ऊपर जाते जाओगे उस वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दस स्ट्रेटोस्फेयर एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वो बेसिकली सन से आने वाली सारी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट को एब्जॉर्ब करता है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज अगर ऐसा ना हो, अगर ये एब्जॉर्ब ना करे तो क्या होगा, अदरवाइज सेवरली हार्म और लिविंग बींग्स ऑन दी अर्थ, नहीं तो अर्थ पे रहने वाले जितने भी लिविंग बींग्स होंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सीरियस है ना। द टेम्परेचर स्लोली इंक्रीज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, ये धीरे धीरे 4 डिग्री बढ़ जाती है। द टेम्परेचर बिगिंस टू फॉल अगेन एट 50 किलोमीटर, टेम्परेचर फिर 50 किलोमीटर पे आके गिरने लगता है। दिस मार्क्स द एंड ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर एंड इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज। और इस यहाँ पे आके स्ट्रेटोस्फीयर थोड़ा एंड हो जाता है और इसको बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज, स्ट्रेटोपॉज है ना, इसको पॉज लग गया। व्हेन अ जेट प्लेन फ्लाइज थ्रू द स्ट्रेटोस्फीयर, जब स्ट्रेटोस्फीयर में होके कोई एरोप्लेन वगैरह उड़ता है, इट लीव्स बिहाइंड अ व्हाइट ट्रेल, ये एक व्हाइट ट्रेल छोड़ जाता है, आपने देखा होगा व्हाइट व्हाइट लाइट ही धुआं छोड़ जाते हैं, विच इन रियलिटी इज द मॉइस्चर फ्रॉम द इंजन फॉर्मिंग कंडेंसेशन ट्रैक। और बेसिकली कोई धुआं नहीं होता, ये तो मॉइस्चर होता है जो उनका जो कंडेंसेशन होता है, जो वहाँ पर फैन लगा होता है उससे बन जाता है। दीज आर नॉट डिस्टर्ब ड्यू टू लैक ऑफ एयर मूवमेंट एट द ट्रैक, दीज आर नॉट डिस्टर्ब, अच्छा जिनका जो इंजन होता है वो कोई उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है हाइट की वजह से। मेसोस्फेयर लास्ट है आई थिंक आपके लेयर, ना मेसोस्फेयर इज द लेयर विच एक्सटेंड्स टू दी हाइट टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर, सॉरी 80 किलोमीटर से ऊपर जाती है, यानी 50 टू 80 वो रह गया आपका स्ट्रेटोस्फीयर, फिर उसके बाद मेसोस्फीयर आता है। वंस अगेन द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, फिर यहाँ पे आके फिर आपका वो नॉर्मल क्या था उसको, नॉर्मल लैप्स यहाँ पे फिर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एक लिमिट होती है कि 90 डिग्री सेल्सियस से नीचे और नहीं जाएगा टेम्परेचर, नेगेटिव 90 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, कंसिक्वेंटली इट मे बी पॉइंटेड आउट मेसोस्फेयर हैज द कोल्डेस्ट टेम्परेचर इन द एटमोसफेयर, यानी हम ये अब एजो कर बता सकते हैं कि सर पूरे एटमोसफेयर के इतने सारे लेयर्स हैं तो सबसे ठंडी लेयर कौन सी होती है, तो मेसोस्फेयर ही होती है। द एंड ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड मेसोपॉज, इसका जो एंड होता है उसको बोलते हैं मेसोपॉज। द टेम्परेचर इज 90 100 डिग्री सेल्सियस मेसोपॉज, सर से मेटोपॉज वाली जगह पर जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस बोल देता है, माइनस में खत्म। अच्छा एक और अभी इसके बाद है ना, अब देखो यहाँ पे उन्होंने समझाया है, ये है ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पे क्लाउड वगैरह बनते हैं, माउंटेन वगैरह होते हैं, यानी यहाँ पे शायद नॉर्मल वेदर एक्टिविटीज होती हैं, नहीं ओजोन लेयर है, फिर ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर आके जहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहे हैं। ठीक है, फिर मेसोस्फेयर आके जहाँ पर मीटियोर्स वगैरह सब बचा जाता है, अल्ट्रा वायलेट रेज़ से बचा जाता है। अब लास्ट आ गया आयनोस्फेयर, ठीक है, फिर उसके बाद स्पेस, तो आयनोस्फेयर पे आते हैं ज़रा।
आयनोस्फेयर ऑल्सो नोन एज थर्मोस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम 80 to 480 किलोमीटर, इतना बड़ा। अमेजिंग टेम्परेचर इन दिस एरिया राइजेस टू अ वेरी हाई डिग्री। सर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, यहाँ पे गर्मी होती है। 40,1480 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव के ओके। ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स इन दिस लेयर एब्जॉर्बिंग द सन डेडली एक्स रेज एंड इट्स शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ एक्स रेज एंड गामा रे। सिंपल सा देखो, अल्ट्रावायलेट इतनी गर्म होती है, इतनी गर्म होती है कि इसकी वजह से उसका वहाँ का टेम्परेचर देख रहा कितना होता है, इतना सारा। दिस लेयर कंटेन्स आयंस, ये लेयर आयंस कंटेन करती है, ठीक है। इसे इसको आयोस्फीयर भी बोला जाता है। आयनाइजेशन प्रोसेस आ रहे हैं। आयनाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय व्हिच एटम्स आर चेंज्ड इनटू आयंस थ्रू रिमूवल और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिविंग इलेक्ट्रिकल चार्ज। जब आप इसका आयन चेंज करते हो, पॉजिटिव से नेगेटिव आयन चेंज करते हो, प्रोसेस को बोलते हैं आयनाइजेशन, ठीक है। सिंपल सा, रेडियो वेव्स यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस मॉलिक्यूल्स इन द आयनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। इट हेल्प्स इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। वो क्या रेडियो वेव्स होती हैं, अब इसी एरिया में बेसिकली लगी होती है और इसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस मॉलिक्यूल, छोड़ दो चीज़ को। इट हेल्प इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, सर लॉन्ग डिस्टेंस वाले लोगों को हेल्प करने में बेसिकली क्या करती है, हेल्प करती है, काफ़ी काफ़ी दूर तक बात करने में हेल्प करती है चीज़ें। द नर्दर्न लाइट्स है, अरोरा बोरियल्स आर इन दिस जोन। सर नर्दर्न लाइट्स के बारे में अगर आपने कभी सुना हो तो बेसिकली वो इस जोन के अंदर आते हैं। आयनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर प्रोटेक्ट फ्रॉम मीटियोर्स, यानी मीटियोर्स से और फिर सेटेलाइट से बचाते हैं। इट्स हाई टेम्परेचर बर्न अप एट अ ग्रेट डील ऑफ डेब्रिस हलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। द मीटियोर्स फ्रॉम द आउटर स्पेस बर्न अप एज द मीट इंक्रीज एयर रेजिस्टेंस। वो कह रहा है कि जो मीटर्स होते हैं ना बाहर से जो आ रहे होते हैं वो जल जाते हैं, जल जाते हैं जैसे वो इंक्रीज एयर का शिकार बनते हैं, ठीक है। ओके, सॉयल एयर में तो जैसे जैसे एयर बढ़ेगी उस तरह से गर्मी बढ़ती जाएगी तो यहाँ पे आग लग जाती है बेसिकली। एग्जोस्फेयर करने के लिए फैक्टर्स पड़ते हैं। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज कॉल्ड एग्जोस्फेयर। द एटमोसफेयर हेयर इज ए रेरिफाइड फॉर्म एंड प्रेशर इज एक्सट्रीमली लो। यहाँ पे प्रेशर बहुत कम होता है, एयर प्रेशर बहुत कम होता है। द टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट इन दिस। यहाँ पर सर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इट एक्सटेंड समवेयर बिटवीन 480 to 960 किलोमीटर, बहुत बड़ा एरिया है अबव द अर्थ। दिस लेयर मर्जेस ग्रेजुअली, दिस लेयर मर्जेस ग्रेजुअली, ये लेयर भी धीरे धीरे ग्रेजुअली मर्ज होती रही, मिलती जा रही है विद इंटरप्लेनेटरी स्पेस, यानी स्पेस के साथ बेसिकली मिलती जा रही है। द टेम्परेचर इन द एग्जोस्फेयर आर वेल अबव 300 डिग्री सेल्सियस टू अबाउट 1600 डिग्री सेल्सियस। ओके, द लैक ऑफ ग्रेविटी इन एग्जोस्फीयर अलाउज स्ट्रेसेस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स सच एज ऑक्सीजन नाइट्रोजन आर्गन एंड हीलियम टू फॉर्म। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ग्रेविटी कमी है, ये थोड़ा फिजिक्स आ गया, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी कमी है तो वहाँ पर आप काफ़ी सारी गैसेस को बहुत ईजिली ट्रेस कर सकते हो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन आर्गन हीलियम एक्सेट्रा, ठीक है। यहीं तक करेंगे आज की वीडियो में, इंपॉर्टेंस वगैरह नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 नेक्स्ट वीडियो में मैं फैक्टफुल कवर कर दूं। इन 1901 मार्कोनी फर्स्ट सेंट रेडियो सिग्नल्स अक्रॉस द अटलांटिक ओशन की तरफ, अटलांटिक ओशन की तरफ ऊपर की तरफ भेजे, अपने रेडियो वेव्स भेजे, रेडियो सिग्नल्स, रेडियो वेव्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सर वो एकदम सीधे डायरेक्शन में गई, येट दे गो अक्रॉस द अर्थ कर्व्ड सरफेस। अब लेकिन फिर भी वो क्या हुआ, अर्थ का जो कर्व सरफेस लेगी क्रॉस करके बाहर चलेगी। इंग्लिश साइकिलिस्ट एडवर्ड एपलटन, ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट था जो कि जिसका जिनका नाम कहते एडवर्ड, अच्छा ये दूसरे हैं लोग हैं एडवर्ड एपलटन, जो हु एक्सप्लेन दैट रेडियो वेव्स वर रिफ्लेक्टेड बाय अ लेयर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आई हैव इन द एटमॉस्फेयर। ओके, इनका कहना ये है, इन्होंने एक्सप्लेन किया, बल्कि इन्होंने समझाया नहीं, इन्होंने बस बता दें कि इन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक्सप्लेन किया कि जो रेडियो वेव्स होती है ना वह रिफ्लेक्टेड बाय लेयर ऑफ चार्ज पार्टिकल। सर वो थी तो स्ट्रेट लाइन में, लेकिन वो कैसे कर्व को क्रॉस कर गई, तो इसलिए क्योंकि रास्ते में उन्हें कुछ चार्ज पार्टिकल्स मिल होंगे, जब वो इनसे यूँ टकराई, बीच में पार्टिकल मिले
इनसे टकराते हुए फिर वो यूं यूं धर धर निकल गए। ठीक है, नॉलेज ऑफ द एटमोसफेयर इंक्रीज, एटमोसफेयर की नॉलेज इंक्रीज हो जाती है व्हेन साइंटिस्ट स्टार्ट टू सेंडिंग सैटेलाइट्स इनटू द एटमोसफेयर। ओके, जैसे साइंटिस्ट को एटमोसफेयर के बारे का पता चलती है, एटमोसफेयर के थ्रू पता चलती है। ठीक है, आपने काफी देखे होंगे। ठीक है, यहीं तक करते हैं। ठीक है, यहाँ तक का होमवर्क आपको मैं देता हूँ। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आर दिस, नेम द फाइव लेयर्स, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रोपोस्फीयर। ट्राई करना। चलो ये बाद में करेंगे, इसका क्या कहना, बस यही है आपका।